हेलो एवरीवन, राधे राधे। कैसे हैं आप सब? आशा करती हूँ कि आप सभी लोग बहुत अच्छे होंगे। स्वागत है आप सभी लोगों का मेरे यूट्यूब चैनल द लाइफस्टाइल ऑफ सोनिया में। तो ये देखिए, एकदम सुबह सुबह का समय है, 7 बजने वाला। हम लोग बांके बिहारी मंदिर के लिए निकल चुके हैं और कोहरा आप लोग देख रहे होंगे, कितना ज़्यादा ठंड है। बिट्टू आराम से चलना, आगे पतिदेव और सिद्धू हैं। जूता चप्पल हम लोग को बाहरी मेन गेट से हम लोग को निकलवा दिया गया है, तो वहीं पर जूता चप्पल जमा हो जाता है। और ये देखें, ये मेरी सिद्धू गज्जू गज्जू और ये पतिदेव सिद्धू चल रहे हैं। तो चलिए, अभी से जो है सुनने में आ रहा है कि बांके बिहारी मंदिर में बहुत भीड़ लग चुकी है और जैसे ही गेट खुलेगा समझ लीजिए भगदड़ मच जाता है। इसलिए हम लोग टाइम से निकल गए हैं कि हम लोग दर्शन बढ़िया से कर सकें, और ठंड बहुत ज़्यादा ही बढ़ गया है। यहाँ पे देखिए कितनी ज़्यादा भीड़ इकट्ठी हो गई है। और हम लोग एकदम सुबह ही सुबह 6 बजे हम लोग निकल गए थे बांके बिहारी मंदिर के दर्शन करने के लिए, तो पहुँचे तो उसको 7 बज गया था। और जब हम लोग पहुँचे तो हम लोग देख के हैरान हो गए कि हम लोग से पहले भी यहाँ पे भक्ति थे ऑलरेडी, इतनी ज़्यादा भीड़ इकट्ठी थी। मतलब लोग बहुत पहले से एकदम भोर में, मुझे लगा 3-4 बजे आके यहाँ पे खड़े हो गए थे बांके बिहारी दर्शन करने के लिए। और जैसे जैसे समय बढ़ता जाएगा समय की भीड़ भी होती जाएगी और ज़्यादा। लोगों ने देखिए बांके बिहारी के दर्शन कर लिए हैं और मेरे को तो एकदम मेरे आँख में आंसू आ गया था जब मैंने सामने से बांके बिहारी जी को देखा। वो तो इतने सुंदर, इतने अच्छे कि कुछ मतलब शब्द नहीं उनके लिए, कुछ कहने के लिए बहुत अच्छा लगा मुझे। मतलब मेरा मन था कि एकदम सामने से मैं नज़र से नज़र मिला के उनके मैं दर्शन कर सकूँ। तो इतनी भीड़ के बाद भी उनका आशीर्वाद था, उनकी कृपा थी कि उन्होंने जो है सामने से मुझे दर्शन दे दिए बढ़िया से। और भीड़ तो मतलब बहुत ज़्यादा थी, अति से ज़्यादा कि जैसे कहीं चूके तो धक्का मुक्की में मतलब चोट लग सकती थी। पर फिर भी कोशिश करते करते प्रभु के दर्शन हम लोग ने कर लिए हैं। अब हम लोग आए यहाँ बैठे, हम लोग ने केसर वाला दूध पी लिया है। ये चाय से अच्छा है कि केसर वाला दूध पी लो तो ज़्यादा फ़ायदा करता है। अब हम लोग निकलेंगे यहीं से राधा रमन और निधि वन में दर्शन करने के लिए। तो सब 1-1.5 किलोमीटर की दूरी पर है, थोड़ी थोड़ी दूरी पर ही है। तो बस यहाँ पर मैंने लाला की ड्रेस भी खरीद ली है, तो मैं होटल में पहुँच के रूम पे दिखाऊंगी लाला की ड्रेस। बाबू होटल दो या लखनऊ पहुँच के ही अपने लाला की ड्रेस आप लोगों को दिखाऊंगी। तो चलिए निकलते हैं और फिर वहाँ भी दिखाते हैं दर्शन आप लोगों को। तो हम लोग देखिए निधि वन और राधा रमन के दर्शन के लिए हम लोग बस यहाँ पहुँच गए हैं। तो आपको बैक कमरे से एक बार दिखा देती हूँ मैं। निधि वन और राधा रमन जी के दर्शन के लिए जो है मुख्य द्वार यहीं से शुरू हो रहा है। आ जा बेटा। तो चलिए किया जाए, एक बार सब लोग मिल के बोलिए राधे राधे। देखिए कितना सुंदर गेट बना हुआ है, लिखा हुआ है श्री निधिवन राज निज महल। हाँ निधिवन बेटा, वाओ। तो यहाँ पे देखिए जूता चप्पल के लिए पूरा बना हुआ है, यहाँ पे जूता चप्पल जमा होगा। और ये निधि वन का प्रवेश द्वार। चलिए, भीड़ नहीं है, बढ़िया से दर्शन हो जाएगा ना। देखिए लिखा है प्रवेश द्वार श्री निधि वन राज श्री बांके बिहारी जी, जय हो राधे राधे। बंदर बहुत हैं, मोबाइल बचा के रखना पड़ेगा। अभी मैं बंद कर दे रही हूँ, फिर आप लोगों को धीरे धीरे दिखाऊंगी। जय हो जय हो जय हो बांके बिहारी की, जय हो मेरी राधा रानी की। राधे 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 राधे। ये देखिए, ये सब हमारी गोपियाँ हैं, सब हमारी गोपियाँ हैं, सब गोपियाँ हैं। राधे राधे। भैया की जय, भैया की जय, आज के आनंद की जय। बोलो राधे राधे। राधे 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 राधे।
यहाँ पे वो कुंड है जहाँ पे गोपियों ने पानी पिया था। नहीं पूरा तो मैं दर्शन करा देती हूँ आप लोग को, भी कोशिश करती हूँ कि मैं दिखा पाऊँ। सब गोपियों ने यहीं पे पानी पिया था, यहाँ पे कुंड बना हुआ है। राधा कुंड राधा कुंड तो यहाँ पे अब हम लोग इस मंदिर में दर्शन करने जा रहे हैं। तो इस मंदिर में जो है रात को पूरा श्रृंगार का सामान वामान हो, पूरा पान वगैरह सब रखा जाता है और दूध वगैरह पानी वगैरह जो रखा जाता है। तो जब सुबह जब इस मंदिर का ताला खोला जाता है तो पान कटा हुआ, श्रृंगार का सामान फैला हुआ, बिस्तरा बिखरा हुआ और दूध पिया हुआ सब यहाँ पे मतलब मिलता है। और कहते हैं कि इस मंदिर में टोटल 7 ताले लगते हैं, पर जब सुबह जो है वो 7 तालों को जब खोल के जब मंदिर अंदर देखा जाता है तो सब सामान बिखरा रहता है। तो ये सब एक चमत्कार है, प्रभु का आशीर्वाद है, प्रभु की कृपा ही है कि 7 तालों के बाद भी जब मंदिर को अंदर जा नहीं सकता तो सामान कैसे बिखरा है। बस ये सब प्रभु का चमत्कार ही है। इससे पता लगता है कि हाँ साक्षात प्रभु यहाँ पे हैं, हमारी राधा रानी यहाँ पे हैं, हमारे बाकी बिहारी यहाँ पे हैं। तो चलिए मंदिर के अंदर दर्शन करते हैं और तो कोशिश करते हैं कि आप लोग को भी दिखा पाए। अभी तो मैं गिर जाती हूँ। पंडित जी पूरा बता रहे यही ठाकुर जी का शादी का फल है। अपने जय हो राधे 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 राधे। बंसी चोरी राधा रानी का नाम पड़ा है, उन्होंने उनके बांसुरी को इसलिए चुरा लिया कि उन्होंने कहा कि मेरे से भी ज़्यादा प्रिय मेरे बाकी प्यारे को बांसुरी है। तो उन्होंने इसी वजह चुरा लिया था कि वो उनके ऊपर भी ध्यान दे, थोड़ा उन पर भी नज़र डाले, राधा रानी पे भी नज़र डाले बांसुरी छोड़ के। तो इस वजह से उन्होंने बांसुरी चुरा लिया था हमारे प्रभु जी की, हमारी राधा रानी ने, राधा रानी ने। तो इसलिए इसका नाम पड़ा है बंसी चोरी राधा रानी। Thank you.
ये उनकी समाज में जोड़ ले।